हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 3 हमारी ट्रिप का, गोल्ड कोस्ट की ट्रिप का, और आज हम जा रहे हैं सीवर्ड। तो सीवर्ड जो है फेमस है अपनी रोलर कोस्टर राइड्स के लिए, और उनका जो थीम पार्क है सीवर्ड का वो सी के बेसिस से बना है। तो वहाँ पे जेट्स की रोलर कोस्टर और ड्रैगन रोलर कोस्टर, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के रोलर कोस्टर हैं। इसके अलावा बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे शो होते रहते हैं, तो डॉल्फिन का शो होता रहता है। वेल का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट डॉल्फिन का शो तो मैंने सुना था कि होता है वहाँ पे। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, सुबह के बज रहे हैं 8:30-9 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इन सारे थीम पार्क में अगर आप पहले पहुँच जाते हो तो इनकी प्राइम राइड होती है, रोलर कोस्टर होता है या जो भी इनका मेन अट्रैक्शन होता है, वो आप सबसे पहले ले लें। क्योंकि कल क्या हुआ था, कल हम थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब पहुँचे तो हम टाइम से थे लेकिन हमने दूसरी राइड्स ले ली थी। पता चला बाद में हम जो मेन अट्रैक्शन पे गए तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है कि 1-1 घंटे का वेटिंग टाइम है। तो हम नहीं चाहते कि आज हमें वेटिंग टाइम करना पड़े ज़्यादा, तो 9 बजे पहले ही पहुँचते हैं वहाँ पर। सबसे पहले पहुँच के जो मेन अट्रैक्शन वाली राइड है वो लेनी है, और उसके बाद कुछ और काम करना है। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको दिखाऊँगा वहाँ के नज़ारे। बाय बाय। तो गाइस ये है गोल्ड कोस्ट की रोड जो हमें ले जाएगी सीवर्ड। देखिए कितनी प्यारी रोड है। ये है M1 हाईवे जिस पर हम अभी चल रहे हैं, और हरियाली ही हरियाली है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सीवर्ड, और सीवर्ड के अंदर एंट्री ले ली है। अब हम ढूंढते हैं सबसे एक्साइटिंग जो रोलर कोस्टर राइड है इनकी, वो, और फिर वो जाके करेंगे हम, और आपको दिखाता हूँ सामने के नज़ारे। सामने है एक्वामैन की मूर्ति। लाइन लगी भाई। तो गाइस ये है एंट्री लेवियाथन रोलर कोस्टर राइड की, जो कि वुडन रोलर कोस्टर राइड है, और सबसे मेन अट्रैक्शन है सीवर्ड का। और इसकी एंट्री अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समुंदर के अंदर जैसे बनावट होती है पहाड़ों की, उस तरीके से इसको बना रखा है ताकि लोगों को अच्छा लगे। और आप देख सकते हैं पूरी थीम इनकी समुंदर से रिलेटेड है। Thank you.
हम निकल गए यहाँ हाइपर राइड करके और बैंड बजी पड़ी थी, कोई गुफा से एग्जिट कर रहे हैं। बहुत लंबा दूर दूर तक पीछे राइड देख रहे हो, ये सबसे खतरनाक राइड है सी वर्ल्ड की और हमने कर ली फाइनली। मुझे लग ही नहीं था मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रोलर कोस्टर उतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ। गाइस ये हमारी अगली राइड ट्रेन डाइट, ये देखिए ऊपर कहाँ तक जाएगी, ये भाई सुबह 8 बजे से घर से निकले हुए थे और 2 राइड करने के बाद बच गए थे पूरे 11, तो हमने सोचा पहले कुछ खाना खा लिया जाए उसके बाद अगली राइड करेंगे। तो ये है हमारी दिन की पहली मील जो कि है बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। गाइस फाइनली हमने एक और रोलर कोस्टर कर लिया है कंप्लीट जिसका नाम था जेट रेस्क्यू। और अच्छी बात इस बार ये हुई कि इस बार मेरी आंखें बंद नहीं हुई बीच में एक भी बार। तो गाइस सी वर्ल्ड में यहाँ पे चल रहा है डॉल्फिन का शो, यहाँ डॉल्फिन को खाना खिलाया जा रहा है। देखो आप देखो एक और डॉल्फिन है यहाँ पर। Is that gold coin, Papa?
देखो इस तरह की जेली फिश होती हैं, उसके रेप्लिका हैं, ऐसे चमकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं चुभो देते हैं ये, तो बंदे की मरणोपरांत सी स्थिति हो जाती है। देखो कैसे कैसे जानवर हैं, टच स्क्रीन से क्या है जेट को पकड़ते हैं, स्ट्रिंग्स को देखते हैं, जेली फिश कैसे काटती है, तो कैसे काटती है बेटे, देखने कैसे काटती है। गाइस बेसिकली इन्होंने पूरी एक लेबोरेटरी बना रखी है जिसमें दिखा रखा है कि जेली फिश कैसी होती हैं और उनके ऊपर रिसर्च भी करते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, और सी वर्ल्ड का एक मैं और ब्लॉग बना देता हूँ पार्ट टू, जिसमें बाकी की राइड्स और बाकी के अट्रैक्शन इसके मैं डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।